गोपालपुरा का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ से 11 किलोमीटर दूर संत रेवती रमन जी महाराज की पावन स्थली, जहाँ पर उनके 21वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है, जिसमें 21 कुंडी रुद्रमाग्य और रामकथा का कार्यक्रम चल रहा है। नित्य रात्रि में जागरण के कार्यक्रम होते हैं। आज यहाँ पर जसदास जी महाराज का जम्मा आयोजित किया जा रहा है, जागरण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जसदास जी महाराज के भक्त अंगारोप नृत्य करते हैं। आप ये देख रहे हैं परंपरागत नगारों पर इस समय भजन बोले जा रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद में इस नगारे की थाप पर बहुत सुंदर अंगारों के दैत्य अंगारों पर नृत्य होगा और बहुत सुंदर कार्यक्रम। हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि आप लोग शांति से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि ये कोई एक नृत्य नहीं है, बल्कि जसनाथ जी के भक्तों द्वारा की जाने वाली एक तपस्या है। ये तपस्या श्रद्धा से, भक्ति से जागृत होती है। आप सभी लोग इस तपस्या को देखने के लिए शांति बनाए रखें। जो माताएं बहने पीछे खड़ी हैं वो कृपया बैठ जाएं, जो पुरुष खड़े हैं, मेरे मित्र भाई बंधु खड़े हैं, वो कृपया बैठ जाएं। आरती हो रही है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं नृत्य करते हुए आरती हो रही है, दसदास जी महाराज की आरती की जा रही है। बहुत ही सुंदर नृत्य के साथ आप देख रहे हैं भक्त। गोपालपुरा गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंडित जी रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर 21वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आज दसदास जी महाराज का जागरण आयोजित किया गया है। आपने देखा ज्योत हुई, ज्योत के बाद में दसदास जी महाराज की बहुत ही सुंदर परंपरागत आरती समय हो रही है, और आरती के तुरंत बाद तमाम भक्त अंगारों पर नृत्य करेंगे, अंगारों को चिटकी की तरह मदिरे की तरह खाएंगे। देख रहे हैं अंगारे तैयार हो चुके हैं, इन दहकते हुए अंगारों पर अब भक्त नृत्य करेंगे। निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये निश्चित रूप से तपस्या है, भक्ति है। अब भाई, 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 भाई।
आप देख रहे हैं अंगारे खा रहे हैं। Oh,
दसनाथ जी महाराज के भक्तों का अग्नि नृत्य आप देख रहे हैं गोपाल ओकरा गांव से। और आप देख रहे हैं मुंह में अंगारे खा रहे हैं और भक्तों पर बरसा रहे हैं। गोपालपुरा गांव में पंडित जी रेंगतन जी महाराज के 21वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप देख रहे हैं डेक टंगारों के ऊपर से निकल रहे हैं। देख रहे हैं अंगारे खाकर किस तरह से मुंह से निकाले जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आग का नाश्ता हो रहा है और देखिए मुंह से कैसे निकाला जा रहा है इसका। जो आप लोग बड़ी दूर से आए हैं आप देख रहे हैं अपने सामने आग रख रखी है और अग्नि का नाश्ता हो रहा है आप देख रहे हैं। शांति बनाए रखे ये देखिए और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। ये देखिए एक भक्त कैसे अंगारों को अपने मुंह में खा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे राजस्थान के जो फल है तरबूज अग्नि का नाश्ता हो रहा है। उस प्रकार खाते हैं उस प्रकार से इसको खा के इसके बीज को जैसे थूक रहे हैं। निश्चित रूप से आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं जगह जगह अग्नि का नाश्ता हो रहा है। ये देखिए बुजुर्ग भक्त है आप देख रहे हैं देखता अंगारा उनके मुंह में नजर आ रहा है। ये देखिए अंगारे खा रहे हैं और फिर बरसा रहे हैं। देखने लगातार अग्नि का नाश्ता हो रहा है। हमारी देख रहे हैं अपने सामने अंगारे रख रखे हैं और नाश्ता हो रहा है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक अंगारे खाए गए हैं। पूरा मुंह अंगारों से भरा आप देख रहे हैं। ये देखिए देखते अंगारों पर नृत्य और अग्नि को खाया जा रहा है। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। देख रहे हैं सब जगह अग्नि का नाश्ता हो रहा है। ये देखिए इधर Yeah.
ये देखिए अग्नि के ऊपर ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये अग्नि पर बैठ गए आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं अग्नि भक्तों पर उछाली जा रही है। पैरों से अग्नि को उछाला जा रहा है। जिका थे अग्नि पर नृत्य करो वो काई साधना है के टाइप हुए की साधना को भगवान की जसनाथ जी महाराज की मेहर है, रिष्टम जी महाराज की मेहर है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मेहर है, आंकी कृपा हो रही है काम। माने कोई जी आंक विचार ही कोनी के माने जी यहाँ पानी दान ठंडो लगे, कोई विचार को नहीं मांगे तो ना जी महाराज की कृपा है। के लिए काई साधना करनी पड़े, काई नियम रखना पड़े, साधना नियम रखना पड़े जी बताओ, नियम रखना पड़े 36 नियम है बताओ, बार टेम लगे जी जी, टेम काम है जना कोई काम। आप रेवती रमन जी महाराज की कोई बात बता रहा जसना जी जुड़े, हाँ रेवती राम जी महाराज तो जी गोरखनाथ जी उपदेश हुई हो रिष्टम जी महाराज ने दोहरे जमाने छाते नहीं हटे तो रेवती राम जी आ रहे अब यहाँ गेले गेले उन्हें मौको 30 लागी बिचार जल जड़ा से को अपन 30 लाख गई तो भगवान कृपा कर दी गोरखनाथ जी महाराज साधु को रूप धार है और वन एज गो पानी पा दियो पानी पा बे रेवतराव जी उन बूंदे किस दिन बे एज गो पुनर माई गया रेवतराव जी जगह दिन उपदेश हुई गए हो। आपने सुना रेवती रमन जी महाराज का भी मिलन हुआ था जसता जी महाराज के साथ और साथ में ये जता रहे हैं कि ये जो अगली नृत्य होता है ये कोई तपस्या साधना नहीं है, इसमें 36 नियमों का पालन करना होता है और जो जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं वो अग्नि नृत्य कर सकते हैं और ये अग्नि उनको जल की तरह ठंडी लगती है। निश्चित रूप से रेवती रमन जी महाराज की पावन जन्मस्थली गोपालपुरा में आज बहुत सुंदर अग्नि नृत्य हुआ, हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित थे और कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे थे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें 21 कुंडे रुद्र भाई के और रामकथा का कार्यक्रम चल रहा है।